नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक नई डिज़ाइन लेकर हाजिर हुआ हूँ। यह डिज़ाइन किस प्रकार से स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों, आगे किस प्रकार से बनानी, वो सभी चीज़ मैं बताऊँगा। और ये स्टार्टिंग कैसे की थी मैंने, ये ताना कैसे तानते हैं, माई कैसे गूँथते हैं, वो भी मैंने बताया दोस्तों। और ये आप पार्ट टू देख पा रहे हैं, ये मैं आज आपको दोस्तों पार्ट टू दिखा रहा हूँ। और पार्ट वन में मैंने बता दिया था कि ये स्टार्टिंग कैसे करते हैं। यदि वो वीडियो आपने देख लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और इससे पहले भी दोस्तों मैंने बहुत सी डिज़ाइन बताई थी कि चारपाई में स्टार्टिंग कैसे करते हैं, ताना कैसे गूंथते हैं, तो वो भी आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में या आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं कि चारपाई से स्टार्टिंग कैसे करते हैं, या ताना कैसे तानते हैं, या माई कैसे गूंथते हैं, वो सभी चीज़ मैंने बताए हैं। तो वो सभी भी वीडियो आप देख लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स का मैं धन्यवाद करता हूँ जो इतने सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल का बटन दबाइए। और बेल का बटन दबाने के बाद में दोस्तों आप ऑल का बटन भी दबा दीजिए ताकि सभी भी वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। जो भी वीडियो मैं डालूंगा वो आपके पास नोटिफिकेशन हो जाएगा सबसे पहले। तो ये वीडियो नहीं आई तो आप आसानी से देख सकते हैं, आपको कहीं भी सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं आगे किस प्रकार की स्टार्टिंग की, वो सभी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आगे करते हैं कि मैंने यहाँ पे चार रस्सी दबाई और पांच रस्सी उठाई दोस्तों, चार रस्सी दबाकर पांच उठाई यहाँ पे मैंने, इस प्रकार से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे तीन रस्सी दबाऊंगा और फिर ये चार रस्सी उठाऊंगा दोस्तों, फिर चार दबाऊंगा और तीन रस्सी उठाऊंगा मैं, फिर यहाँ चार दबाएंगे और चार रस्सी उठाएंगे, फिर यहाँ तीन रस्सी दबाएंगे और ये चार रस्सी उठाएंगे। तो ये हमारा सीक्वेंस चलेगा, एक बार आपको चार दबानी है और एक बार चार उठानी है, उसके बाद एक बार तीन दबानी है और तीन उठानी है। देखो ये चार दबाकर ये चार उठाएंगे और अब यहाँ तीन दबा देंगे, फिर ये चार उठाएंगे और यहाँ चार दबाएंगे, तो ये तीन उठा देंगे। इसी प्रकार से पूरी डिजाइंस में आप बनाएंगे दोस्तों, पूरी डिजाइंस में इसी प्रकार बनते रहेंगे आप। सिर्फ तीन दबाकर चार उठाई, फिर चार दबाई और तीन रस्सी उठा दी, फिर ये चार दबाई चार उठाई और फिर यहाँ तीन दबा दिए, अंत तक इसी प्रकार से आपको चार दबानी चार उठानी है, फिर तीन रस्सी उठानी है, फिर चार दबाकर चार उठानी, फिर तीन रस्सी दबानी है। अब जो रस्सी दबती है उसको आप दबा दीजिए और जो रस्सी उठेगी वो उठा दीजिए दोस्तों, इसी बात का आपको ध्यान रखना है बस। और ये चार पाँच नई डिजाइंस आप देख पा रहे हैं, मैं हर बार दोस्तों आपको नई डिजाइंस ही बना के दिखाता हूँ ताकि आप नई नई डिजाइंस अपनी चार पाँच में बनाना सीख सकें। और बहुत से दोस्तों कमेंट आ रहा है कि आप पूरी वीडियो नहीं, तो दोस्तों आपको पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर में आराम से आपको पूरा जो भी मैं डिजाइन बनाता हूँ वो पूरी बनाता हूँ। तो आप हो सकता है कि पार्ट वन देखा हो तो आप पार्ट टू, पार्ट थ्री देखिए, पार्ट फोर तक भी बनती हैं क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती हैं, तो मैं पार्ट फोर भी बना देता हूँ। तो आप सभी पार्ट देखिए तो आपको पूरी वीडियो फूल की डिजाइन वो सभी समझ में आ जाएगी। ये सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है। और कई दोस्तों कमेंट आ कि रस्सी कितने किलो लगती है दोस्तों, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ दोस्तों कि 7-8 किलो रस्सी आपकी लग जाएंगी एक चारपाई में, यदि 3x6 की है तो। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि तीन रस्सी स्टार्टिंग में दबाई है और उसके बाद में मैंने पांच उठाई है, और पांच उठाने के बाद में मैंने फिर पांच दबाई, फिर तीन उठाई, फिर तीन दबाई और पांच रस्सी उठाई है, फिर मैंने तीन दबाई तीन उठाई है, फिर यह मैंने पांच दबाई है, फिर ये तीन रस्सी उठाई है, फिर यहाँ तीन दबाई और पांच रस्सी उठा दिए, इसी प्रकार फिर तीन दबाई तीन उठाइए, तीन रस्सी जोड़ा से लेने दोस्तों, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। देखो ये और यहाँ पांच रस्सी आप दबा देंगे, फिर ये तीन उठाएंगे और तीन ही दबाएंगे, फिर ये पांच रस्सी उठा देंगे, इसी प्रकार ये सिक्वेंस हमारा चलेगा। ये तीन रस्सी उठाएं, फिर यहाँ पांच दबाकर तीन उठाइए, फिर ये तीन दबाकर पांच उठाइए, एक बार आपको पांच रस्सी दबानी होंगी, एक बार पांच रस्सी उठानी होंगी दोस्तों, एक बार तीन रस्सी दबेंगे हमारी, एक तीन बार, एक बार ये तीन रस्सी उठेंगे,
तो इसी डिजाइन के साथ ये पूरी चारपाई आप बनोगे। चलते हैं, इस प्रकार से आप पूरी डिजाइन आपके सामने ही बनती हुई नजर आ जाएगी दोस्तों। मैं क्लियर डाल देता हूं, और एक बात और क्लियर कर देता हूं दोस्तों, कि इससे पहले मैंने जितने भी डिजाइन बनाए सभी अलग अलग बताता हूं मैं, और नौकड़िया की, छकड़िया की, चारपाई में दोस्तों मैंने डिजाइन बनाकर बताया आपको, और उसमें भी दोस्तों फूल डालकर बताए मैंने सबसे अलग डिजाइन। कि नौकड़िया की छकड़िया खाट देखते हैं, उसमें भी आप डिजाइन बना सकते हैं। मैंने सिंपल भी डिजाइन बनाया है, और उसमें फूल की डिजाइन भी बनाकर बताया आपको, अलग अलग प्रकार की डिजाइन बताई है, और भी आगे मैं आपको उसमें भी बहुत सी डिजाइन बताऊंगा दोस्तों। मेरे पास और भी बहुत सी डिजाइन है चारपाई में, यदि आप ऑनलाइन हेल्प लेना चाहते हो आप वो भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो ऑनलाइन भी मैं हेल्प कर देता हूँ। लेकिन दोस्तों अगर ज़्यादा हेल्प लेते हैं तो आप को थोड़ा टाइम लगता है। चलते हैं आगे, रस्सी बताता हूँ मैं एक बार आपको, यहाँ दो दबाकर फिर पांच रस्सी उठानी है, फिर थोड़ा सा इंटरफेयर होगा आप दोस्तों, पांच उठाकर तीन दबानी है और एक रस्सी ये उठानी है, फिर यहाँ तीन दबाकर दो रस्सी ये उठानी है दोस्तों, फिर यहाँ दो दबाकर आपको दो तीन रस्सी ये उठानी है, फिर यहाँ पे एक दबाकर तीन रस्सी ये उठानी है। देखो इस प्रकार से ये हमारा इंटरफेयर होगा अभी, फिर यहाँ पे दो दबाकर आपको दो रस्सी ये उठा लेनी दोस्तों, फिर यहाँ पे तीन दबाकर एक रस्सी उठानी है, फिर तीन दबाकर दो रस्सी उठानी है, फिर यह दो दबाकर यह तीन रस्सी उठानी है। ये हमारा इंटरफेयर हो रहा है अभी, यहाँ एक दबाएंगे फिर ये तीन रस्सी उठाएंगे, ये थोड़ा चेंज हो जाएगा हमारा सीक्वेंस है, और अब डिजाइन हमारी चेंज हो जाएगी दोस्तों। यहाँ से देखिए अलग डिजाइन बनेगी आज आपके सामने, फिर दो रस्सी दबाई, फिर यहाँ तीन दबाकर एक रस्सी ये उठाएंगे, फिर यहाँ तीन दबाकर दो रस्सी उठाएंगे ये, फिर दो दबाएंगे और तीन रस्सी ये उठाएंगे, फिर यहाँ एक दबाएंगे, फिर ये तीन रस्सी उठाएंगे, फिर दो दबाकर दो रस्सी उठाएंगे, फिर तीन दबाकर एक रस्सी उठाएंगे। तो इस प्रकार से ये अलग डिजाइन्स आज आप सीख पाएंगे, बहुत ही अलग डिजाइन है ये, ऐसी डिजाइन शायद आपने देखी होगी, इसलिए दोस्तों मैं नई नई डिजाइन्स आपको बताता रहता हूँ, ताकि आप हर चारपाई में अपनी में नई नई डिजाइन्स डाल सकते हैं। शायद जितने भी आपने चैनल पे और चैनल पे भी आपने देखी होगी चारपाई, लेकिन सभी चारपाई आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, जितने भी लगभग आपको डिजाइन्स मिल जाएंगी, और भी उसके अलावा भी दोस्तों नई डिजाइन्स भी आपको मिलेंगी, इसलिए बहुत सी डिजाइन मेरे चैनल है उस पर आपको मिलेंगी दोस्तों, तो आप आसानी से देख सकते हैं हमारे चैनल पे, सहायता से आप बहुत ही चारपाई की डिजाइनें सीख सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं आगे, देखिए ये मैंने पूरी डाल दी है, अब किल्ली डाल देता हूं मैं। और दोस्तों एक बात और बता रहा था मैं, कि आप यदि आपको नाम डालना सीखना है चारपाई के अंदर, नाम कैसे डलता है, तो उसके बारे में मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, और ए से लेकर जेड तक सभी अक्षर बताए हैं दोस्तों मैंने, ए कैसे मिटता है, बी सी डी एफ जी एच एक्स वाई जेड सभी अक्षर बताए हैं दोस्तों, वो भी आप हमारे चैनल पे वीडियो में देखना चाहिए, हिंदी में हो या आप इंग्लिश में हो, हिंदी में भी सभी अक्षर बताए मैंने और इंग्लिश में भी दोस्तों। और उसके साथ साथ मैंने आपको किस प्रकार से डालना है चारपाई में, मैंने पूरा मोबाइल नंबर भी डाल के दिखाया है, नाम भी लिख कर दिखाया है, तो वो भी दोस्तों आप देख सकते हैं, सभी चीज आपको मिल जाएगी कि किस प्रकार से आपको है, वो दोस्तों आपको देखना होगा कि किस प्रकार से आप देख सकते हैं, सहायता से आपको हमारे वीडियो में आपको जाकर देखना होगा दोस्तों। चलते हैं, देखिए आगे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने पांच रस्सी दबाया दोस्तों, और फिर मैंने तीन रस्सी उठाया, पांच दबाकर मैंने तीन रस्सी उठाया दोस्तों, फिर वापस से मैंने पांच दबाया है और तीन रस्सी उठाई है, फिर यहाँ मैंने तीन दबाई और पांच रस्सी उठाई है, फिर दोस्तों यहाँ तीन दबाई
और मैंने तीन रस्सी उठाई है, फिर यहाँ पे पांच दबाई तीन उठाई है, इसी प्रकार सीक्वेंस चलेगा हमारा। थोड़ा देखिए अलग फूल्स बनेगा आपके सामने, फिर यहाँ तीन दबाकर पांच रस्सी उठाइए और फिर तीन दबाकर मैंने तीन रस्सी उठाई है, फिर यहाँ पे पांच रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाई दोस्तों, फिर यहाँ तीन दबाकर पांच रस्सी उठाइए, फिर यहाँ पे तीन दबाकर तीन रस्सी उठाइए, फिर यहाँ पे पांच दबाकर तीन रस्सी उठाई। एक तरफ दोस्तों देखो यहाँ पांच दबेंगे तो यहाँ पांच उठानी पड़ेंगे आपको, यहाँ तीन दबाई तीन उठाई फिर यहाँ पांच दबाई, इसी प्रकार सीक्वेंस हमारा चलेगा। इसमें पांच दबाई तो यहाँ पांच उठाने पड़ेंगे आपस में, देखो एक दूसरे का विपरीत फूल चलेगा ये, एक फूल ये तो एक फूल ये, फिर एक फूल ये एक फूल, एक दूसरे का विपरीत फूल चलेंगे तो आप आसानी से देख कर इसको समझ सकते हैं। इसी प्रकार आपको ध्यान देना होगा। अभी इसी में सभी में आगे तीन दबानी तीन उठानी, फिर यहाँ पांच दबाएंगे फिर यहाँ तीन उठा देंगे, फिर यहाँ तीन दबाएंगे और पांच रस्सी उठा लेंगे दोस्तों, तो ये सीक्वेंस हमारा चलेगा ही। फिर यहाँ तीन दबाकर पांच रस्सी तीन उठा लेंगे सॉरी, और फिर यहाँ पे पांच रस्सी हम दबा देंगे, तो इस ये सभी चीजों का आपको ध्यान रखेंगे दोस्तों। मैं किल्ली डाल देता हूँ दोस्तों, और एक बात आपको दोस्तों मैं बता देता हूँ, बहुत से दोस्तों कमेंट आ रहे हैं कि हमें कितनी रस्सी ताना में ताननी होगी, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जितनी आपकी चारपाई में आती हैं एकदम नॉर्मल आप जितनी आती है उतनी चारपाई में ताना तान दीजिए। किसी चारपाई में 90 रस्सी आती है, किसी में 100, किसी में 150, किसी में 120, किसी में 80, वो मोटी पतली रस्सी के कारण से दोस्तों, रस्सी के कारण से कम बत्ती रस्सी हो जाती है, तो आप जितनी आपकी चारपाई नॉर्मल आप रस्सी खींचते रहिए और पूरी चारपाई में जितनी में आती हैं आप रस्सी का ताना तान दीजिए। ये बहुत से दोस्तों पूछे कितना ताना हम रस्सी में ताने, तो जितनी आपकी चारपाई में आती है उतना ही ताना आप तान लीजिए दोस्तों। ये बात आज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, किसी में 120 आती है, किसी में 150 भी आती है, किसी में 70 भी आती हैं, क्योंकि मोटी पतली रस्सी होती है, मेरे चारपाई में भी ऐसे है, किसी किसी में 120 भी हैं और किसी किसी में ज़्यादा भी हैं, वो कम बत्ती होती रहती है रस्सी दोस्तों। तो इस प्रकार से आप जितनी आती हैं उतनी आप तन लीजिए। फिर वापस से यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, पांच रस्सी दबाना है और चार रस्सी उठाना है, फिर यहाँ पे तीन दबाकर चार रस्सी उठाना है, फिर यहाँ पे दोस्तों आपको चार दबानी तीन रस्सी उठा लेनी है, फिर यहाँ पे चार दबाकर आपको चार रस्सी उठाना है, फिर तीन आपको दबानी है फिर चार रस्सी उठानी है, फिर यहाँ पे चार दबाकर तीन रस्सी उठा लेनी है, फिर दोस्तों चार दबाएंगे चार रस्सी उठाएंगे, फिर तीन दबाकर चार रस्सी उठाएंगे, ये सीक्वेंस आपका चलेगा। चार दबाई फिर तीन उठाई, फिर चार दबाई चार उठाई, फिर यहाँ पे तीन दबाएंगे और चार रस्सी उठाएंगे दोस्तों, तो ये अलग फूल हमारा बनता हुआ आपको नजर आ जाएगा और अलग डिजाइंस भी आपको दिखेगी दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ पे अभी चार दबाकर तीन रस्सी उठा लिए, फिर चार दबाई और चार उठा, तीन दबाकर चार उठा लिए, फिर यहाँ पे दोस्तों चार रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठा लेंगे हम, फिर चार दबाकर चार रस्सी उठाएंगे हम, फिर यहाँ पे तीन दबा देंगे और अंत में जितनी रस्सी बचती है मेरी वो रस्सी मैं उठा लूँगा। इस प्रकार से हम बन देंगे पूरी चारपाई। अब मैं किल्ली आपको डाल देता हूँ, उसके साथ साथ दोस्तों और एक बात बता देता हूँ, यदि आपको मोबाइल से नंबर सीखना है डालना तो उसके बारे में भी मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, और वो भी दोस्तों मैंने दो दो डिजाइन से बताए, मोबाइल से नंबर की डबल डबल डिजाइन बताई मैंने, तो दोनों डिजाइन से अपनी चारपाई मोबाइल से नंबर डालना सीख सकते हैं। और कैसे डालते हैं मोबाइल से नंबर, मैंने एक साथ तीन तीन अक्षर, दो दो अक्षर, सिंगल सिंगल अक्षर भी बताए हैं कि एक दो कैसे मंडते हैं, चार कैसे, पांच कैसे, अगर डबल डबल अक्षर ही बताए हैं कि दो तीन कैसे मंडेंगे, चार पांच कैसे मंडेंगे, वो सभी चीज़ बताया दोस्तों मैंने, तो वो भी आप हमारे चैनल पे आपको जाकर देखना होगा। तो बहुत ही आसानी से मोबाइल से नंबर डालना, अपना नाम लिखना चारपाई में सीख सकते हैं। वो बहुत से दोस्तों कमेंट आता है कि हमें नाम ये लिख कर बताइए, तो देखो दोस्तों मैं सभी का नाम पर्टिकुलर नहीं लिख सकता, तो सभी मैंने अक्षर जरूर लिखे हैं तो वो आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए आगे मैंने पांच दबाकर पांच
पांच रस्सी उठाई है, फिर एक दबाई है, फिर मैंने पांच दबाई पांच उठाई, फिर मैंने एक उठा दी यहाँ पे, फिर पांच दबाई पांच उठाई, फिर एक दबाई फिर पांच उठाइए, फिर यहाँ पांच दबाकर एक रस्सी ये उठाइए। इसी प्रकार से सीक्वेंस आपको ध्यान रखना होगा। फिर यहाँ पांच दबाई पांच मैंने उठा लिए, फिर एक रस्सी दबा दी पांच रस्सी उठा लिए, फिर पांच दबाई एक रस्सी उठाइए। तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना होगा सीक्वेंस का कि पांच दबाकर पांच रस्सी उठानी है, फिर एक दबाई फिर पांच उठाई, फिर पांच दबाई और एक रस्सी उठाई, फिर पांच दबाई और ये पांच रस्सी उठा ली, फिर मैंने यहाँ एक दबा दी और पांच रस्सी उठा ली। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे ये सीक्वेंस आपका चलता रहेगा। देखो ये फूल आपको यहाँ बनता हुआ, ये फूल बनता हुआ नजर आ जाएगा, और ये डिजाइंस भी आपको देख पा रहे हैं, कुछ अलग डिजाइन भी आपको दिख जाएगी दोस्तों। इस प्रकार से डिजाइन भी आप बनाना सीख सकते हैं। और दोस्तों आपको एक बात और बता देता हूं मैं कि यदि आपको हाथी घोड़ा ऊंट इंडिया का नक्शा बनाना सीखना है तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं दोस्तों। उसके बारे में मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया है कि ऊंट कैसे बनाते हैं, मोर कैसे बनाते हैं, हाथी कैसे बनाते हैं, वो भी आप इंडिया का नक्शा बनाना है तो कैसे बनाएंगे वो भी चीज़ देख सकते हैं। और उसके साथ साथ दोस्तों कि बोतल में चारपाई कैसे डालते हैं कि वो भी आप हमारे चैनल पे सीख सकते हैं। और यदि आपको ऑनलाइन मंगवाना है तो बोतल आपको वो भी मंगवा सकते हैं दोस्तों। आप एड्रेस दे देंगे, उसकी पेमेंट करनी होगी आपको, तो मैं आपको बोतल में चारपाई बनाकर और आपके एड्रेस पे भेज भी देंगे। तो ये काम भी आप कर सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मैंने क्या किया, पांच रस्सी उठाई है, अब पांच रस्सी उठाकर मैंने एक दबाई है और नौ रस्सी उठा ली मैंने। फिर मैंने दोस्तों आपको क्या किया है कि एक रस्सी दबाकर एक रस्सी उठाई है, फिर मैंने नौ रस्सी दबाई है, फिर यहाँ पे मैंने एक उठाई एक दबाई और फिर मैंने नौ रस्सी उठा लिए दोस्तों। इस प्रकार से ध्यान रखना आपको, एक दबाई फिर एक रस्सी उठा लिए, फिर यहाँ नौ रस्सी दबा दी है, फिर एक रस्सी उठाइए और फिर यहाँ एक दबाई है और नौ रस्सी उठा लिए। मतलब एक बार में आपको एक दबानी है, एक में एक समय में एक उठानी है, तो एक दबा कर ये एक मैंने ये उठा लिए, फिर नौ रस्सी दबा दिए, फिर यहाँ पे एक रस्सी मैंने दबाई है, फिर नौ रस्सी उठाइए। इस प्रकार से डिजाइन आपको बनना होगा आगे। फिर यहाँ पे एक रस्सी दबाकर एक रस्सी उठाई है, फिर यहाँ पे नौ रस्सी दबा दी है और फिर यहाँ पे एक रस्सी दबाई दोस्तों और नौ रस्सी उठा ली है। इसी प्रकार आगे ये सीक्वेंस हमारा चलता रहेगा। एक रस्सी दबानी है, एक रस्सी उठा के फिर नौ रस्सी दबानी है, फिर नौ रस्सी उठानी भी है। इसी प्रकार से सीक्वेंस चलाएंगे दोस्तों। अब मैं एक इल्ली डाल देता हूँ यहाँ पे। आगे दोस्तों मैंने क्या किया है, आगे मैंने स्टार्टिंग में पांच रस्सी उठाकर दो रस्सी दबाई है, फिर मैंने सात रस्सी उठाई, फिर दो दबाई दो उठाई, फिर सात रस्सी दबाई यहाँ पे, दो उठाई दो दबाई, फिर सात रस्सी उठाई, फिर दो दबाई दो उठाई, फिर सात दबाई, फिर दो उठाई दो दबाई, फिर सात रस्सी उठाई, फिर दो दबाई दो उठाई, फिर सात रस्सी दबाई। अब फिर यहाँ पे मैं दो रस्सी उठा ली है और दो रस्सी दबा दूंगा, फिर ये सात रस्सी उठा लेंगे दोस्तों। फिर दो दबाकर दो रस्सी उठाएंगे और फिर यहाँ पे सात रस्सी दबाकर फिर दो रस्सी उठा लेंगे। एक बार आपको दबाना होगा, एक बार ये उठानी होगी दोस्तों। फिर यहाँ पे दो दबाई है और दो रस्सी उठाइए, फिर दो रस्सी दबाई दो रस्सी उठा लिए, फिर मैंने सात रस्सी दबा दी, फिर दो उठाई दो रस्सी दबा दिए और फिर मैंने सात रस्सी उठा लिए दोस्तों। तो इस प्रकार से ये चारपाई आप बनेंगे। चलते हैं, हम घुंडी में डाल देता हूँ दोस्तों। इस प्रकार से बहुत ही देखो सुंदर आपको डिजाइंस बना पाएंगे। और भी डिजाइन देखनी है आपको तो अलग अलग डिजाइंस आप हमारे चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं बनाना, चाहे वो चाहे खटिया हो, नौकड़िया छकड़िया की, या ऐसे घुंडी का पिलंग हो, डबल माही में भी, सिंगल माही में भी, सभी चीज़ आप सीख सकते हैं दोस्तों। फिर डिजाइन हमारी बन जाएगी। अब दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है
कि आगे की डिजाइन से वो मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगा कि किस प्रकार से आगे की डिजाइन बनानी है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।